दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे के होए। वर्तमान में हम लोग के अंदर एक सबसे बड़ा गुण यह है कि दुख में ही हम ईश्वर को याद करते हैं। यदि हम सुख में ही ईश्वर को याद करते हैं तो दुख होने की संभावना बहुत कम है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त श्रोतागणों और दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। हालांकि आप लोगों को मालूम होगा यह त्रिकोणमिति के 8वां कक्षा है। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब बताइएगा यदि हम एलएचए से चलें तो एलएचए से क्या है भाई, कोसेक थीटा। अब बताइएगा ट्रिक तो याद ही होगा आप लोग के, हम क्या बताए थे, लाल बटा कक्का अर्थात साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, को थीटा और आधार बटा कर्ण, टैन थीटा और लंब बटा आधार। या तो दूसरा ट्रिक क्या बताए थे भाई, पंडित बेटा पंडित हरी हरी बोल, साइन थीटा और पी बटा एच, को थीटा और बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, साइन की जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा और कर्ण बटा लंब, कोस की जस्ट अपोजिट सेक थीटा, तो सेक थीटा और क्या होगा भाई, कर्ण बटा आधार, टैन की जस्ट अपोजिट कोट थीटा, तो कोट थीटा और क्या होगा भाई, आधार बटा लंब। सही बात के यदि यहां बात करें हम तो साइन की जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा और क्या होगा भाई, एच बटा पी, कोस की जस्ट अपोजिट सेक थीटा, तो सेक थीटा और क्या होगा भाई, एच बटा बी। अब बताओ टैन की जस्ट अपोजिट क्या होगा भाई, कोट थीटा, तो कोट थीटा और क्या होगा भाई, बी बटा पी। सही बात के, तो फॉर्मूला को समझ करके याद करना है। सही बात के, तो बताओ जी साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा लंब, तो यहाँ पर क्या लिखो, कर्ण बटा लंब। सही बात के, एलएचएस से चले तो क्या है भाई, कर्ण बटा लंब। अब क्या करेंगे आरएचएस से, अब बताओ आरएचएस से क्या है भाई, एक बटा साइन थीटा, एक एक लिखोगे, साइन थीटा क्या होता है भाई, लंब और बटा कर्ण, यहाँ पर क्या लिखोगे, लंब और बटा कर्ण। अब एक एक लिखोगे, बटा के मतलब क्या बताए थे, भागा, और भाग उल्टा क्या होता है भाई, गुना, तो गुना में उल्टा कर दोगे ना, तो यहाँ लंब बटा कर्ण से क्या करोगे, कर्ण और बटा लंब, कर्ण को एक में गुना करोगे तो क्या होगा भाई, कर्ण और बटा क्या होगा, लंब। अतः लिख सकते हो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। एनीबडी एनी डाउट, नो डाउट। चलिए अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग क्या बताए थे भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला बताए थे टैन थीटा और इनटू कोट थीटा, और कितना होता है भाई, एक होता। यदि टैन थीटा आप निकालना चाहो तो एक एक लिखोगे, इधर गुना में कोट थीटा है ना, इधर आएगा तो क्या होगा भाई, भागा में कोट थीटा। अब बताओ एलएचएस से लिखो, एलएचएस से, एलएचएस में क्या है भाई, टैन थीटा। हंड्रेड क्या बताया था आप लोग के, लाल बटा कक्का, या तो पंडित बेटा पंडित हरी हरी बोल। सही बात के, तो टैन थीटा पर ध्यान देना, तो यहाँ पे साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, कोस थीटा और आधार बटा कर्ण, टैन थीटा और लंब बटा आधार, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लंब और बटा आधार। सही बात के, टैन थीटा क्या आया भाई, लंब बटा आधार। अब आर एच एस की बात करें, सही बात के, तो लिखोगे आर एच एस से, सही रहो आर एच एस से, आर एच एस क्या है भाई, एक और बटा कोट थीटा, क्या करोगे, एक एक लिखोगे, कोट थीटा की जगह पर ध्यान देना है, यहाँ पे टैन थीटा और आप लोग क्या बताए थे, लंब बटा आधार, तो कोट थीटा क्या होता है भाई, जस्ट अपोजिट, अपोजिट कहें तो उल्टा, तो लंब बटा आधार का उल्टा क्या होगा, आधार और बटा लंब, एक एक लिखोगे, बटा का मतलब भागा, और भाग उल्टा क्या होता है भाई, गुना, तो उल्टा कर दो, लंब और बटा आधार, लंब को एक में गुना करोगे क्या होगा भाई, लंब और बटा क्या होगा, आधार।
एल एच से चले तो क्या है भाई, लंब बटा आधार। और एच से क्या है भाई, लंब बटा आधार। अतः क्या कह सकते हो तुम, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। फिर बात क्या है, अच्छा जी आप लोग यहाँ पे क्या बताए थे कि यदि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक सीध करना हो, परंतु कैसे होगा, हम क्या करेंगे, एल एच एस से चलेंगे। एल एच एस बताओ tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan थीटा आप लोग याद है ना, बोलो लंब और बटा आधार। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब और बटा आधार। कोट थीटा क्या होगा भाई, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट कहें तो उल्टा। क्या लिखोगे, आधार और बटा लंब, लंब से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, कितना आया एक। आरएचएस प्रूफ हो गया ना, तो आप प्रयास यही कीजिएगा ना कि फॉर्मूला जो हम प्रमाणित कर रहे हैं ना उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा शुरुआत के, और जब पुनः पढ़ोगे ना तो माइंड में रिकॉल हो जाएगा। शुरुआत याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, फिर ना रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यदि अगला फॉर्मूला की बात करें तो इससे एक और फॉर्मूला की रचना कर सकते हैं। क्या रचना करोगे, यहाँ पर कोट थीटा तो लिख ही सकते हो, कोट थीटा तो एक के तो एक लिख सकते हो ना भाई। इधर देखो तो टैन थीटा क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में टैन थीटा लिखोगे। शुरुआत के तो आप बता, एक के एक लिखोगे, टैन थीटा क्या होता है भाई, लंब और बटा आधार। फिर बात के एक एक लिखोगे, बटा के मतलब भागा और भाग को उल्टा गुना, तो लंब बटा आधार इसको उल्टा क्या लिखोगे, आधार और बटा लंब। यदि आधार में एक से गुना करोगे तो क्या होगा, आधार, यहाँ पर लिखोगे आधार और बटा लंब। एल एच से चले तो क्या है भाई, बताओ एल एच से चला तो क्या आया, एल एच से चलोगे यहाँ तो देखो कोट थीटा है ना भाई, तो कोट थीटा क्या होता है, टैन के जस्ट अपोजिट ना, तो टैन थीटा लंब बटा आधार है, तो कोट थीटा क्या होगा भाई, आधार और बटा लंब। फिर बात की एल एच से चले तो आधार बटा लंब आया, आर एच से भी चले तो क्या आया भाई, आधार बटा लंब। अतः कह सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। फिर बात की यहां तक नोट कर लो, अब तुम लोग के क्या बताना है, साथ में देखना और साथ साथ बोलना, बोलो साइन जीरो डिग्री बराबर क्या होता है भाई, जीरो। थोड़ा वेट कर लो, तब तक इंक डाल लेते भाई। हाँ जी ध्यान दीजिएगा, क्या बताएं आप लोग के, साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री बराबर क्या बताएं भाई, जीरो। यहाँ क्या लिखोगे, साइन जीरो डिग्री बराबर क्या लिखोगे, जीरो। अब बता साइन तीन डिग्री के मान किसको किसको याद है भाई, वहीं से बोल देना। साइन तीस डिग्री के मान बता दो, साइन तीस डिग्री बराबर क्या होता है भाई, एक बटा दो। साइन पैंतालीस डिग्री के मान बताओ भाई, एक बटा रूट दो। साइन साठ डिग्री के मान बताओ भाई, क्या बताए थे आप लोग के, रूट थ्री बटा दो। फिर बात के यदि साइन नब्बे डिग्री की बात किया जाए तो क्या होता है भाई, एक। यदि कोस जीरो डिग्री की बात किया जाए तो बताओ को जीरो का मान कितना होगा, बता दे एक। फिर बात के क्या करो ना कि जो साइन जीरो डिग्री का मान था ना, क्या होता है भाई साइन जीरो का मान,
साइन जीरो डी का मान बताए थे जीरो, और साइन तीस का मान क्या बताए थे भाई एक बटा दो, साइन पैंतालीस का मान क्या बताए एक बटा रूट दो, साइन साठ का मान क्या बताए भाई रूट थ्री बटा दो, साइन नब्बे का मान क्या बताए भाई एक, को जीरो का मान क्या होगा भाई एक। क्या करना पता है यहां से चलना जस्ट अपोजिट, सही बात की जस्ट अपोजिट मतलब समझते हो यहाँ से क्या कर रहे थे आप मतलब बढ़ते क्रम में चल रहे थे ना घटते क्रम में हमको जाना सही बात के। तो बताओ पॉजिटिव डी का मान एक, इसके बाद कहाँ जाएंगे सही बात के रूट थ्री बटा दो पे जाएंगे ना, तो क्या करोगे कोस तीस डिग्री बराबर क्या लिखोगे भाई रूट थ्री बटा दो, और उसके बाद कोस साठ डिग्री लिखोगे ना, तो फिर इससे आगे जाओगे ना, तो इससे आगे जाओ क्या होगा भाई जब कोस साठ डिग्री लिखोगे तो क्या लिखोगे एक बटा दो ही लिखोगे